हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन स्टडी। इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं रिगार्डिंग जेके बैंक रिक्रूटमेंट। बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा कि अब वो क्या करेंगे। तो गाइज, आप सब जानते हैं हमारे लेट प्रेसिडेंट को, श्री APJ अब्दुल कलाम। उनकी लाइफ का एम था एयरफोर्स में जाना, लेकिन वो बने क्या, साइंटिस्ट। इनफैक्ट हमारे देश के वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट बने। तो वक्त ने आपके लिए क्या सोचा है ये आप नहीं जानते, बस इस वक्त को यूटिलाइज कैसे करना है ये आपके हाथ में है। आज अगर मैं स्टेट लेवल की रिक्रूटमेंट के भरोसे बैठा होता तो मैं एज अ बैंक PO सर्व नहीं कर रहा होता। इसलिए आपको इस वीडियो के थ्रू मैं इतना समझाना चाहता हूँ कि स्टेट की रिक्रूटमेंट पे नज़र रखिए, लेकिन तैयारी आप सेंट्रल लेवल की करिए, नेशनल लेवल रिक्रूटमेंट की तैयारी करिए। लास्ट ईयर मैंने JK Bank PO मेंस दिया था एंड मैंने 150 प्लस अटेम्प्ट किए थे। स्टिल मैंने इस रिक्रूटमेंट को अपने पे हावी नहीं होने दिया, और रीज़न इसका पीछे एक ही था जो मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो किसी से शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और ये मेरे दिल से मतलब मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप भी ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। बेसिकली मैंने देखा है कि जितनी भी स्टेट की रिक्रूटमेंट है उनका बहुत ही बुरा हाल है। कोई ना कोई मसले में वो फंस जाती हैं एंड फिर वो पूरी नहीं होती हैं। इसलिए मैंने कभी भी स्टेट लेवल के हिसाब से तैयारी नहीं की, हमेशा सेंटर को देखा, नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स को देखा। और मैं अपनी वीडियो के थ्रू आपको इतना ही समझाना चाहता हूँ कि यार ठीक है, स्टेट में रिक्रूटमेंट आ रही है, आप उस पर नज़र रखिए। नो डाउट मैं ही आपको वीडियोज़ के थ्रू बताता रहूँगा कि स्टेट की रिक्रूटमेंट आ रही है, लेकिन आपने नेशनल लेवल की तैयारी करनी है। मैं चाहता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो बच्चे हमारी वीडियो से पढ़ रहे हैं वो नेशनल लेवल की एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए। मैंने एक स्टेट का एग्ज़ाम दिया JK Bank का, लेकिन मैंने नेशनल एग्ज़ाम्स दिए और मैंने 4 नेशनल एग्ज़ाम्स निकाले हैं। रीज़न यही है, मैंने कभी भी स्टेट लेवल को एग्ज़ाम्स को इम्पोर्टेंस ही दी। इसलिए मैं भी ये चाहता हूँ कि अगर आप ऑनेस्टली सेटल होना चाहते हैं जल्दी, तो उन एग्ज़ाम्स पे टारगेट करिए जो एग्ज़ाम्स आपको कुछ दें। अब बहुत सारे बच्चे, हम देखो ऑनेस्टली बताऊँ तो हम JK पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की भी तैयारी कर रहे हैं, फिर हम JK Bank की भी तैयारी करते हैं, फिर हम स्किम्स की रिक्रूटमेंट की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की, इनमें से अभी किसी का भी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। सिर्फ अभी हवा में बातें चल रही हैं कि हाँ 45 दिन में ख़त्म कर दिया जाएगा, नहीं हाँ 14 हफ्ते में JK Bank ख़त्म कर दिया जाएगा, बट अभी तक किसी का प्रोसेस हमने देखा ही नहीं कि शुरू हुआ है। और अगर हम बात करें सेंटर लेवल की एग्ज़ाम्स की, तो हाँ 4-5 महीने में वो प्रोसेस पूरा ख़त्म हो जाता है, प्री मेंस इंटरव्यू हो जाता है, क्योंकि वो एक नेशनल लेवल सिनेरियो में आता है, एक नेशनल लेवल रडार पे आता है। वहाँ धांधली नहीं हो सकती है, क्योंकि वो पूरा इंडिया देख रहा है उसको, 1.40 ठीक है बिलियन पॉपुलेशन उस इक्विपमेंट को देख रही है, वहाँ पर धांधली नहीं हो सकती है, इसलिए वो जल्दी हो जाती हैं। और स्टेट लेवल में क्या मसले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। कल रात को मुझे एक बच्चे का मैसेज आया इंस्टाग्राम पे मेरे, वो बहुत दुखी था यार। मैंने सीरियसली उसकी जो सैडनेस है ना, उसको सेंस किया कि वो बहुत दुखी था। वो बंदा यही मुझे कह रहा था कि सर मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, JK Bank की रिक्रूटमेंट कैंसिल हो रही है, स्टे लग रहा है इस पर, तो अब मैं किसकी तैयारी करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि वो एक फ्रेशर था, वो फिर से शुरू कर रहा था, JK अकाउंट असिस्टेंट की वो तैयारी नहीं कर रहा था। वो कह रहा था सर 6 सब्जेक्ट हैं, कैसे तैयारी करनी है, JK Bank में 3 ही थे, तो इसलिए वो बहुत कंफ्यूज था। तो मैंने उसको फिर भी यही बोला कि आप JK Bank की तैयारी करिए। 2-3 सेकंड के लिए वो भी शॉक हो गया। देखिए रीज़न पता है क्या है JK Bank की तैयारी करने का, कि इसकी तैयारी करके ना बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। आप एक बात नोटिस करिएगा, JK Bank की जो एग्ज़ाम है वो IBPS ले रहा है। IBPS और कितने एग्ज़ाम्स लेता है, IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क, RBI ग्रेड बी, RBI असिस्टेंट, इतने एग्ज़ाम्स हैं। तो अगर आप इनकी सम ऑल टोटल वैकेंसीज करेंगे ना, तो ये 20,000 से ज़्यादा वैकेंसीज बन जाएंगी। तो इस एक एग्ज़ाम की तैयारी करके आप उन 20,000 एग्ज़ाम्स में भी अपेयर कर पाएंगे। और मैंने भी यही किया था, ठीक है। एक एग्ज़ाम को मैंने फोकस में रखा था शुरू में, एंड देन करते करते मैं बाकी एग्ज़ाम्स को भी निकाल गया। और बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, हमारी जो पूरी कॉन स्टडी की टीम है ये आपके साथ है, एंड हम आपको हर एक चीज़ करवा रहे हैं यहाँ पे, रीजनिंग मैथ से लेके हर एक चीज़ करवा रहे हैं, पूरी स्टेप बाय स्टेप करवा रहे हैं। और हम वो लोग हैं जिन्होंने खुद ही एग्ज़ाम्स निकाल लिए हैं। इस वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता,
इस वीडियो के थ्रू मैं आपको हल्की सी मोटिवेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि आप अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बस आपको हिम्मत बनाए रखनी है, जितनी पढ़ाई आप करेंगे वक्त आपकी मेहनत की ज़रूर कदर करेगा। इन दी एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है मैंने, उसको पिन किया हुआ मैंने, आप वहाँ पर आके हमसे अप्रोच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर आप हम पांचों में से किसी से इंडिविजुअली पूछना चाहते हैं आप इंडिविजुअली भी बात कर सकते हैं, या कौन स्टडी के जो ग्रुप बना हुआ है इंस्टाग्राम पे वहाँ पे भी बात कर सकते हैं। तो हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, कोई भी दिक्कत है, कोई भी दुविधा है आपको, तो आप आइए वहाँ पे, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे आपका। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।